और आज हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सी इतनी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज की जनरेशन इतनी अनफिट है और जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो बड़ी फिट हुआ करती थी। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसे वो बड़ा कोई एक्सरसाइज करते थे, बड़ी कबड्डी और बड़ा कुछ इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते थे, तो ये बड़ा डिफरेंस नहीं है। उनमें और हम में सबसे बड़ा फर्क ये है, वो है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये क्या होता है? हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी चहलकदमी ज्यादा थी, घर से मस्जिद तक की वॉक, इसी तरह से खेती बाड़ी वॉक करते गए, वॉक करते हुए आए, बहुत भी अगर कोई सहूलत हो जाती तो साइकिल हो जाती, उसमें भी खुद ही साइकिल चलानी होती थी। यानी कि एक्सरसाइज के अलावा जितनी भी दिन की एक्टिविटीज थी वो उनकी बहुत ज्यादा थी। और उसके बरक्स आज की अगर आप जनरेशन देखें तो इनके पास मोटरसाइकिल है, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास लिफ्ट्स हैं। तो यानी कि हर तरह से आजकल के जदीद दौर ने, टेक्नोलॉजी ने हमसे ये जो वॉक है ये सब छीन ली है। तो एक्सरसाइज तो नहीं करते हम, उसके साथ साथ हम वैसे भी एक्टिव नहीं रहते। कुर्सियां आ गई हैं, सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहो, ऑनलाइन काम चल रहे हैं, जिम तो दूर की बात है कि बंदा सीढ़ियां लेना भी गवारा नहीं करता। एक रिसर्च हुई जिसमें देखा गया कि एक एस्केलेटर थी, उसको लोग लेके जो है वो जाते थे, तो उसके साथ ही सीढ़ियां थी, तो उन सीढ़ियों के ऊपर एक बंदे ने बड़ा बड़ा लिखवा दिया कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और इतनी कैलोरीज बर्न करें। तो देखा ये गया कि बहुत सारे लोगों ने एस्केलेटर को छोड़ के सीढ़ियों के जरिए वो ऊपर जाना शुरू हो गए और अपनी कैलोरीज को बर्न करने लगे। तो इंसान जो है ना वो ज्यादा लोगों को फॉलो करता है। अगर सारे लोग ही आराम पसंद हो गए ना तो बंदा भी उन्हीं के पीछे लग जाता है और इसी तरह से आराम पसंद हो जाता है। सारे लिफ्ट लेके जा रहे हैं तो मैं भी लिफ्ट लेके जाऊंगा। हालांकि जो चीज हमने चेंज करनी है कॉन्शियसली कि हमने अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रखना है। जैसे मेरा दिन स्टार्ट होता है, अब क्या हुआ कि जी मैं घर से निकला तो मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट की है, वादा किया है कि मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा, लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। तो अब अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे दो ऑफिसेज हैं, उसके बीच का जो रास्ता है वो मैं पैदल तय करूंगा, सीढ़ियों के जरिए ऊपर तक जाऊंगा, फोर्थ फ्लोर तक फिर नीचे आऊंगा। तो इस तरीके से मेरी पूरे दिन में जो कैलोरीज है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से बर्न होंगी। इसी तरह से मैं हर पेशेंट के लिए खड़े होकर उसको रिसीव करता हूँ, उससे पेशेंट भी खुश होता है, उसकी भी इज्जत अफजाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ अगर मैंने दिन में 60 मरीज देखे तो 120 स्क्वाट्स तो मेरे ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने डे को प्लान करना होता है। आप मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, डॉक्टर हैं आप, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने डे को इस तरीके से प्लान करें कि ये छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं ना हमें बड़ा नतीजा देती हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि हम जब खुराक की तरफ बैठते हैं और जब हम खाना खा लेते हैं तो हम इतना गलत तरीके से खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग नहीं होती, कि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते और फिर वो एक वक्त में हम इतना खा लेते हैं। एक तो हमने पूरे दिन में कैलोरीज बर्न नहीं की, हमारी नीट ठीक नहीं थी, बहुत कम हो गई है, ऊपर से हम जब गलत खुराक खा लेते हैं तो उससे हम सरप्लस कैलोरीज में चले जाते हैं और फिर मसला वहीं का वहीं खड़ा रहता है, हमें सेहत अपनी अच्छी होते हुए नजर नहीं आते और हम नाउम्मीद हो जाते हैं। जब भी कोई बंदा डाइट स्टार्ट करता है और वो कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करता है तो होता यह है कि उसकी नीट कम होती जाती है। वो जिम में जाके तो वजन शजन उठा लेगा लेकिन सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहेगा। मुझे अपने कॉलेज लाइफ का वाकया जो है याद आ गया कि मैं वर्कआउट कर रहा था, उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो एक लड़का था ना वो जिम में बड़ी आवाजें निकाल रहा और बड़ा वजन उठा रहा, तो एक बुजुर्ग साथ थे वो भी एक्सरसाइज करे, मुझे कहते हैं कि बेटा ये अभी इधर कितना वजन उठा रहा है, घर जब जाएगा ना माँ बोलेगी कि बेटा जरा पास से दूध और अंडे तो ले आ, तो मौत पड़ जाएगी। तो ये हकीकत है, लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं, बड़े पेरेंट्स मुझे आके शिकायत करते हैं कि बेटा जिम तो चला गया लेकिन जिम जाने के बाद वो ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसने हम सब पे एहसान किए, अब उसे सारा दिन ना तंग करो। तो इससे होता क्या है कि आधे घंटे 40 मिनट में आपने 200 कैलोरीज 250 कैलोरीज बर्न कर दी, लेस से पूरा दिन आपने कैलोरीज बर्न नहीं की, तो जिसकी वजह से जब पूरा डे मुकम्मल होता है ना तो आप वहीं पे खड़े होते हो। तो जब भी आपने डाइट स्टार्ट करनी है तो कॉन्शियसली आपने इस चीज को देखना है कि कहीं आपकी नीट कम तो नहीं हो रही। हम सब यही गलतियां करके यहां तक पहुंचे हैं लेकिन बेहतर इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे। तो जब भी आपने डाइट स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो साथ साथ आपने इस नीट के ऊपर भी नजर रखना है कि पिछली जनरेशन में और आज की जनरेशन में जो बड़ा डिफरेंस है वो इसी का है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हम अपनी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और ये छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे तो हमें बड़े नतीजे मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और नीट के बारे में जरूर पढ़िएगा।